Hello guys and welcome back to my channel Basics The Strong Roots. My name is Richa Yadav and today we will discuss the topic depreciation. So depreciation, which is called Moolyahas in Hindi, is related with fixed assets. Which are the fixed assets? Fixed assets are the assets, or you can say the tangible assets are the assets which we purchase to use for a longer period of time. In a company, fixed assets can be its furniture, machinery and other equipments which a company have purchased to use for a longer period of time. And you can see these kind of assets at our homes also. These are our furniture, any machine which we are using in our day-to-day life, fridge, or you can say the microwave oven. Today there are so many things available in the market we purchase to make our life easier, and we do not use these equipments for 2 or 3 years. We always keep in mind that at least for 5 or 10 years we are going to use these equipments. So this is something which is fixed assets. Now what is depreciation? So the fixed assets got reduced in their value by which amount, that is called depreciation. जैसे कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में या किसी भी कंपनी में कोई भी मशीनरी यूज़ होती है, कोई फर्नीचर यूज़ होता है, कोई भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, तो हम उसे डेली यूज़ कर रहे हैं. तो जब हम उसे डेली यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम हो रही है. आप कोई एग्जाम्पल ही ले सकते हैं. अगर मैं इस पेन का एग्जाम्पल दूँ, दो इट्स नॉट अ फिक्स्ड एसेट, बट अगर मैं इस पेन का एग्जाम्पल दूँ, तो जब भी मैंने ये पेन नया ख़रीदा था, इट वॉज़ अ न्यू पेन, देन इसका जो रिफिल था वो पूरा भरा हुआ था एंड इट वॉज़ अ न्यू पेन इन लुक वाइज ऑल्सो वेरी ब्राइट. बट जैसे जैसे मैं इसे यूज़ करती हूँ डेली, इसके थोड़ा सा कलर में इफ़ेक्ट आता है, रिफिल भी ख़त्म हो रही है, और आप इसको लुक वाइज भी इतना पसंद नहीं करते हैं, वो नॉर्मल हो जाता है. तो अभी मैं बोलूँ तो इस पेन की वैल्यू कम हो चुकी है. अगर इस पेन की वैल्यू जब भी मैंने लिया था 10 रुपये थी मार्केट में, तो अभी ये वैल्यू मुश्किल से 3 या 4 रुपये रह गई होगी. एंड नो वन इज़ गोइंग टू परचेज दिस पेन फ्रॉम मी. सो सेम हैपन्स विद डेप्रिसिएशन. किसी भी मशीनरी की यूज़ करते रहने से हम फॉर ईयर्स वो मशीनरी यूज़ करते हैं, तो जो हमने जितने टाइम तक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मशीनरी को यूज़ किया है, तो उस ड्यूरेशन में मशीनरी का कॉस्ट कितना कम हो गया है या उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई है, या आप कह सकते हैं फेयर वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू कितनी कम हो चुकी है, उस स्पेसिफिक अमाउंट को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज़ किसी कंपनी ने एक मशीनरी परचेस किया जिसका कॉस्ट है 10,000 रुपीज़, एंड नेक्स्ट ईयर कंपनी का वैल्यू रह गया 8,000 रुपीज़. तो जो 2,000 रुपीज़ कंपनी के मशीनरी का कॉस्ट, जो ओरिजिनल वैल्यू था, जो कम हो गया, दैट विल बी कॉल्ड डेप्रिसिएशन. क्योंकि एक साल हमने उस मशीनरी को यूज़ किया, तो यूज़ करने से चीज़ें थोड़ी हिंदी में बोलूँ तो घिस जाती हैं और इतना एक्टिवली काम नहीं करती हैं जितना वो स्टार्टिंग में रहती हैं. तो वो जिस अमाउंट से रिड्यूस होती है ओरिजिनल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. आई विल राइट इट हियर फॉर यू. कॉस्ट ऑफ मशीनरी 10,000. Hope you guys can see this, okay. Now, depreciation is 2000 rupees. This value is in INR, I am writing, okay. Indian rupees. So, for next year, remaining original cost will be 8000. रुपीस. सो कंपनी का ओरिजिनल कॉस्ट जो था, दैट वॉज 10,000 रुपीज़. कंपनी के जो डेप्रिसिएशन वैल्यू थी, दैट वॉज 2,000 रुपीज़. तो जो फॉर नेक्स्ट ईयर कंपनी की ओरिजिनल कॉस्ट बची, वो रह गई 8,000 रुपीज़.
Yes, so for a company, depreciation is an expense. This is an expense by which the original cost of a fixed asset is getting decreased. And company कैसे depreciation की accounting करती है? That particular amount of depreciation is getting allocated into the in getting is getting allocated in the PL and account by the duration in which the particular machinery is got used. So depreciation की accounting कैसे होती है? As I said, depreciation is an expense account. So as per the accounting rule and concept, expenses and losses increase debit, decrease credit. So depreciation बढ़ रहा है किसी कंपनी के लिए, so depreciation will be debited by the amount, that particular amount with which the fixed assets value got decreased. Depreciation, let's say it was this is debit side and this is credit side. Let's say the depreciation was 1,000 rupees, two, and depreciation account is debited here. Okay, I forgot to write. And two kya aega? Two pe hum kya likhenge? Fixed assets. Kyun? Kyunki as per the accounting principle, assets बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट. यहाँ पे हमारी एसेट जो फिक्स्ड एसेट्स है, एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हमारी जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे. टू फिक्स्ड एसेट व्हाट एवर इट इज 1,000 रुपीज. फिक्स्ड एसेट मैंने लिखा है यहाँ पे, इट कैन बी एनीथिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड एनी अदर इक्विपमेंट, फ्रिज और व्हाटएवर. एंड द नरेशन विल बी बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड. सो फॉर अ कंपनी डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस. तो यहाँ पे कंपनी के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट इज वेरी यूजफुल, क्योंकि किसी भी कंपनी को जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता करना होता है, दे वॉन्ट टू नो द एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, देन दे नीड टू चेक दिस डेप्रिसिएशन अकाउंट. देन दे विल बाय दिस एंट्री, दे आर गोइंग टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, और उसमें जितनी भी हमारी मशीनरी में ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो नोट होगा, देन क्या अमाउंट था, देन दे विल गेट एन एक्यूमुलेटेड बैलेंस फॉर द ईयर एंड, कि पूरा साल हमको कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो करते हैं. सो वेयर दिस डेप्रिसिएशन एंड फिक्स्ड एसेट्स गो आफ्टर मेकिंग दीज एंट्रीज. सो जो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो दैट विल गो इन टू डेबिट साइड ऑफ द PL&L अकाउंट. और जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है वो तो एज पर रूल बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही हम शो करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बट रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड बाय द डेप्रिसिएशन अमाउंट. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म. सपोज अगर 10,000 की एसेट है और डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 2,000, तो हम 8,000 रुपीज बैलेंस शीट में शो करेंगे. अभी अभी हमारे आते हैं डेप्रिसिएशन के मेथड्स. वैसे तो 4 or 5 मेथड्स हैं जो हमें पढ़ाने के लिए होते हैं, कि ये डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, बट मेनली वी फॉलो 3 मेथड्स फॉर डेप्रिसिएशन. वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, द अदर वन इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एंड थर्ड वन इज एनविटी मेथड. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द स्ट्रेट लाइन मेथड. सो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज समथिंग वेयर अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट टिल द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट. यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी रिटन टू सेव योर टाइम,
It is book value is equal to original cost minus accumulated depreciation. किसी भी एसेट की बुक वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में, जो भी हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिसाइडेड है, इट कैन बी 500 रुपीस पर ईयर, इट कैन बी 1000 रुपीस, बट इट इज़ नॉट गेटिंग चेंज्ड एंड द बुक वैल्यू विल बी रिड्यूस्ड एवरी ईयर बाय दैट पर्टिकुलर अमाउंट. सो book value will be original cost of the fixed asset minus accumulated depreciation. Accumulated depreciation is nothing but that specific amount of depreciation which are going we are going to get charged on that fixed asset. So yahan pe hamara original cost let's say agar 5000 rupees hai kisi machinery ka, ye sare terms main jo le rahi hu ye INR mein hai, that means Indian rupees mein, and accumulated depreciation is 500 rupees per year. सो फॉर नेक्स्ट ईयर जो फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस रहेगा लेजर अकाउंट में, दैट विल बी 4500 रुपीस, दैट इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. बट नाउ व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड हाउ डू वी अप्लाई दैट मेथड इन दिस. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल कीप डिडक्टिंग दैट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज नथिंग बट 500 rupees from this book value of the fixed asset till the book value of the fixed assets is going to reach the amount 500. तब तक जब तक हमारी fixed asset की book value 500 rupees नहीं हो जाती, depreciation के equal नहीं हो जाती, हम उतने सालों तक depreciation का amount fixed asset से deduct करते रहेंगे. लेट्स से जैसे हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए जो ओपनिंग बैलेंस आया दैट इज 4500 रुपीस, फिर हम नेक्स्ट ईयर में 4500 रुपीस से 500 रुपीस ही इसका डेप्रिसिएशन का लेस करेंगे, और जो हमारा सेकेंड ईयर ओपनिंग बैलेंस होगा दैट विल बी 4000 रुपीस एंड सो ऑन. ऐसा करते करते हम इतने सालों तक मशीनरी का बुक वैल्यू जब तक 500 रुपीस नहीं होता चार या पांच सालों में, तब तक हम इस स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते रहेंगे. सो द सेकेंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एंड दिस इज द मोस्ट अडॉप्टेड मेथड बाय द कंपनीज. ज़्यादातर कंपनीज, आई कैन से 80% कंपनीज आर फॉलोइंग दिस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इन दियर कंपनी. सो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम एक रेट फाइंड आउट करते हैं एंड उस पर्टिकुलर रेट से हम एवरी ईयर कंपनी की बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी रिटन डेप्रिसिएशन रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ इट, 1 - √ residual value divided by cost of fixed assets and n is the number of years. So कोई भी कंपनी सपोज 10 साल के लिए यूज होने वाली है तो यहाँ पे वी विल राइट 10, एंड residual value इज नथिंग बट द depreciated value, और यू कैन से द salvage value divided by cost of fixed assets. तो कंपनी की जो depreciated value है दैट इज सॉरी एसेट की that is 2000 rupees and the value of cost of fixed assets is 50,000. This is just for example. तो हम एक रेट कैलकुलेट करेंगे इसका 2000 divided by 50,000. So it is going to be a big calculation. So उसको आप खुद से कर लेना. तो यहाँ पे हमारा depreciation का जो भी रेट आएगा, suppose 10% रेट आ गया, तो उस 10% रेट से हम एवरी ईयर उस कंपनी की जो एसेट की वैल्यू है उसे हम डिक्रीज करने वाले हैं. लेट्स से हमारा रेट आया 10% और जो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट थी वो हमने निकाली 50,000 रुपीज, तो 10% ऑफ 50,000 रुपीज दैट विल कम 5,000 रुपीज. तो जो कंपनी का ओरिजिनल कॉस्ट रह जाएगा और यू कैन से बुक वैल्यू रह जाएगा, that will be 45,000 rupees. Closing balance will be this year and it will be the opening balance for next year. अभी next year में अपने को क्या करना है, next year में again 45,000 पे हम 10% charge करेंगे depreciation, that will come to
4,500 रुपीज और 45,000 से 4,500 रुपीज हम डिडक्ट करेंगे तो आई थिंक इट विल कम 40,500 रुपीज। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा नेक्स्ट ईयर के लिए और ओपनिंग बैलेंस होगा क्लोजिंग बैलेंस होगा दिस ईयर के लिए और ओपनिंग बैलेंस होगा नेक्स्ट ईयर के लिए एंड सो ऑन वी विल डू टिल द लाइफ ऑफ द मशीनरी फॉर द हाउ मच ड्यूरेशन वी आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर मशीनरी वी विल फॉलो दिस मेथड एंड दिस इज द ईजिएस्ट मेथड एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग दिस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर डेप्रिसिएशन इन दिस दियर कंपनी। या सो थर्ड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज एन्युइटी मेथड। सो एन्युइटी मेथड इज बेस्ड ऑन एन्युइटी विच इज नथिंग बट द दैट लाइफ ऑफ द मशीनरी विच अ कंपनी इज गोइंग टू यूज। मतलब किसी भी मशीनरी को हम कितना ड्यूरेशन के लिए यूज करने वाले हैं उसके बेसिस पे ये मेथड फॉलो किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एन्युइटी मेथड। अभी एन्युइटी मेथड हम अप्लाई कैसे करते हैं वो देखिए। तो एन्युइटी मेथड के लिए क्या होता है कि हम पर ईयर के लिए कितना डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देन जैसे हमने रेट कैलकुलेट किया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में वैसे हम इस पर ईयर का रेट निकालते हैं एन्युइटी मेथड में और उसके अकॉर्डिंग एवरी ईयर डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है किसी भी पर्टिकुलर एसेट पे। तो इधर पे आप ये देख सकते हो कि सपोज किसी का जो ओरिजिनल कॉस्ट है किसी भी मशीनरी की वो है 17,000 और सपोज इट इज अ कार फॉर अ कंपनी ओके सो एंड द सालवेज वैल्यू विल बी 2,000 रुपीज। सो जो ओरिजिनल कॉस्ट बची एसेट की या आप कह सकते हो कार की वो हो जाएगी 15,000 और हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले 10 सालों में या पूरा लाइफ टाइम ये जो कार है वो 50,000 माइल्स चलने वाली है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो कार हमने कंपनी के लिए खरीदी है कंपनी के यूज के लिए खरीदी है वो अपना पूरा लाइफ टाइम में 50,000 माइल्स चलने वाली है। तो व्हाट वी विल डू वी विल डिवाइड दिस कॉस्ट बाय 50,000 टू गेट द रेट डेप्रिसिएशन रेट पर माइल। सो सो 0.30 पर रुपीस पर माइल सॉरी मैं तिरछा लिख रही हूँ। सो द रेट विल बी 0.30 रुपीस पर माइल। अभी क्या है हमने एन्युइटी मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन रेट निकाल लिया है और वो हमारा जो डेप्रिसिएशन रेट है दैट इज 0.30 रुपीस पर माइल। अभी अपने को क्या करना है कि हर साल अभी हम देखेंगे कि कार पूरा साल कितना चली। सपोज नेक्स्ट ईयर हमारा कार चली 5,000 माइल्स तो अगर हमारा एक माइल का 0.30 रुपीस डेप्रिसिएशन है तो 5,000 के लिए कितना होगा 1,500 रुपए होना चाहिए। एम आई करेक्ट है ना 1,500 रुपए होना चाहिए। तो जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट बचेगी दैट विल बी 15,000 ये जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी माइनस 1,500 तो जो हमारी कॉस्ट बचेगी वो बचेगी 13,500 जो इस साल के लिए क्लोजिंग बैलेंस होगी और नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगी। और उसके बाद हम कार हमारा जितना जितना रूट उसने कवर किया माइल्स में उसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करते जाएंगे एंड दैट इज कॉल्ड एन्युइटी मेथड। हम कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस साल माना हमने कि 5,000 माइल्स चली और उसके अकॉर्डिंग हमने 1,500 डेप्रिसिएशन चार्ज किया एंड 13,500 रुपीज़ ओरिजिनल कॉस्ट निकाली। बट हो सकता है कि अगले साल
कार सिर्फ 1,000 माइल्स ही कवर करे या उसके अगले साल 4,000 माइल्स कवर कर ले, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाता है. बट जो हमारा डेप्रिसिएशन का रेट है पर माइल का, दैट इज़ गोइंग टू बी स्टेटिक, वो तो स्टैगनेंट है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड. बट यहाँ पे क्योंकि माइल्स इन्वॉल्व है और वो हमें पहले से नहीं पता है कि वो कितना यूज, कितना कवर करने वाली है कार, वो 1,500 हो सकता है किसी साल बिल्कुल यूज ही ना हो, तो हम बिल्कुल भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे इस रेट के हिसाब से. तो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होता रहता है एनुइटी मेथड में, लेकिन जो हमारा पर माइल का रेट है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज एंड दैट विल बी स्टेटेड. सो होप यू गाइज अंडरस्टूड द टर्म डेप्रिसिएशन, वेयर आई सेड दैट डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट. कोई भी फिक्स्ड एसेट की जो डिक्रीज्ड वैल्यू होती है, जो यूज़ करने के साथ में जो स्क्रैप वैल्यू होती है ईयर बाय ईयर, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. और डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है अकाउंटिंग के टाइम, और जो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट डेप्रिशिएटेड अमाउंट से रिड्यूस करके जो हमारी बुक वैल्यू बचती है, जो ओरिजिनल कॉस्ट बचती है, वो हम एसेट साइड में यानी कि राइट साइड में बैलेंस शीट के लिखते हैं. तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया, सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको लगता है कि मुझे डेप्रिसिएशन पे कुछ और ऐड करना चाहिए या फिर आप कोई और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एंट्री चाहते हैं जो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँ, सो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज वेन एवर यू विल प्रेस द बेल आइकन यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई न्यू वीडियोज. एंड मास्क एंड सैनिटाइजर के बिना बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, और अगर बहुत ज़रूरी है तभी घर के बाहर जाना है, वरना कहीं भी नहीं जाना है. घर पे रहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए और खूब सारी मस्ती करिए. स्टे सेफ, बाय, टेक केयर.